Hi everyone, this is me Jolly Yadav welcoming you back to our channel Reality 360 Degree. Guys, अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में एक प्राइम लोकेशन पर घर प्रेफर कर रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आके रुके हैं। इनफैक्ट अगर आप गौर सिटी के नजदीक में चाह रहे हैं घर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोजेक्ट है जो मैं आप सभी के लिए आज लेकर आई हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको बजट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है रेडिकॉन वेदांतम, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन रहेगी सेक्टर 16C नोएडा एक्सटेंशन। गौर सिटी सेंटर यहाँ से मुश्किल से 800 मीटर के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। बहुत ही ज्यादा नजदीक आपको गौर सिटी सेंटर मिल जाता है, गौर चौक मिल जाता है। प्लस यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। NH24 की आपको सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है। मुश्किल से यहाँ से 3 से 4 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर आपका NH24 कनेक्ट हो जाता है। नोएडा यहाँ से अराउंड 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। उसके साथ साथ गाजियाबाद की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, साथ ही साथ कालिंदी कुंज, दिल्ली की भी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है NH24 के थ्रू। आसपास के अगर हम एरियाज की बात कर लें, तो यहाँ पर काफी सारे शॉपिंग एरियाज आपको मिल जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बिल्कुल 2 से 3 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर। साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी प्रेजेंट है। पार्टी के अगर आप शौकीन है, पार्टी करने के शौकीन है, तो यहाँ पर आपको पार्टी एरियाज भी काफी सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। सो ये वेल डेवलप्ड सेक्टर है। जो लोग नोएडा एक्सटेंशन के हैं, उन्हें इस सेक्टर के बारे में पहले से ही पता होगा। सेक्टर 16C काफी ज्यादा डेवलप्ड सेक्टर है एंड यहाँ पर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर सारी चीजें मिल जाती है। एंड यही पर लोकेटेड है हमारा आज का प्रोजेक्ट रेडिकॉन वेदांतम। ये एक रेडी टू मूव इन सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन कैटेगरी के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। सोसाइटी आपकी फुली गेटेड सोसाइटी रहेगी, जहाँ पर आपको प्रॉपर सिक्योरिटी भी मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रेट्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल मिल जाते हैं, जिसकी मैंने शुरुआत में ही बताया था। सो गाइस, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं प्रोजेक्ट के आपको और अंदर लेके चलती हूँ, प्रोजेक्ट की आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक सैम्पल अपार्टमेंट भी दिखाऊंगी एंड इन दी एंड मैं यहाँ के प्राइस रिवील करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, रेडिकॉन वेदांतम ये प्रोजेक्ट आपका अप्रोक्स 5 एकर्स के लैंड पैच में बना हुआ है एंड ये प्रोजेक्ट आपका 3 फेजेस में डिवाइड हो रखा है। फेज 1 ऑलरेडी आपका डिलीवर हो चुका है एंड यहाँ पर अराउंड 600 फैमिलीज मूव इन भी कर चुकी हैं। फेज 2 में 2 टावर्स हैं, जिसमें कि अभी कुछ इन्वेंट्रीज बाकी है, बाकी फेज 3 2025 तक डिलीवर होगा। यहाँ पर मेनली आपके पास 2 BHK एंड 3 BHK में इन्वेंट्रीज है। जैसे प्रोजेक्ट में यहाँ पर स्वीट्स भी थे, 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट्स भी थे, बट प्रोजेक्ट का ज्यादा पार्ट पहले से ही सोल्ड आउट हो चुका है एंड अभी इन्वेंट्री सिर्फ 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स में ही बची हुई है। टावर हाइट की हम अगर बात करें, तो यहाँ पर टावर हाइट रहेगी G+19 फ्लोर्स की। पार्किंग आपको कम्प्लीटली कवर्ड मिल जाती है, बेसमेंट में आपकी पार्किंग रहेगी एंड एक फ्लोर पर आपके इन टोटल 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास 2 लिफ्ट का प्रोविजन रहेगा एंड 2 स्टेयरकेस रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ के अपार्टमेंट आपको रॉ फॉर्म में डिलीवर किए जाएंगे, फिनिश्ड कंडीशन में आपको डिलीवर किए जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ की अमेनिटीज के बारे में, तो प्रोजेक्ट में अराउंड आपको 70% ओपन कम ग्रीन एरिया मिल जाता है। पार्क एरिया आप मेरे पीछे देख सकते हैं, डेवलप्ड पार्क एरिया है। यहाँ पर ग्रीनरी पहले से ही यहाँ पर हो रखी है। यहाँ पर आपके किड्स प्ले एरियाज आ जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज के लिए भी डेडिकेटेड स्पेसेस है। बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पर, टेनिस लॉन है यहाँ पर, साथ ही साथ और भी बहुत सारे आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज यहाँ पर हैं। पार्क एरिया भी आपका प्रॉपर है, जिसमें कि आपको ट्रैक्स मिल जाते हैं, वॉकिंग ट्रैक्स यहाँ पर हैं, जॉगिंग ट्रैक्स यहाँ पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक क्लब हाउस है, जो कि अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। क्लब हाउस आपका अराउंड 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में रहेगा, जिसके अंदर आपको और भी सारी अमेनिटीज मिल जाती है, जिसकी स्विमिंग पूल, बैंकेट एरिया, रेस्टोरेंट एंड इंडोर गेम्स। इस प्रोजेक्ट में आपके इन टोटल 10 टावर्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं, वो सभी के सभी आपकी कॉर्नर यूनिट्स रहेंगी, तो या तो उनकी फेसिंग पार्क की रहेगी या फिर मेन रोड की रहेगी। प्लस अगर हम बिल्डर की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ के जो बिल्डर हैं, वो रहेंगे रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 4 प्रोजेक्ट अपने सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं, जैसे की ज्योति सुपर गार्डेनिया, ज्योति आर्केड एंड ज्योति सुपर विलेज। सो गाइस, दैट वाज अबाउट द प्रोजेक्ट। अब मैं आपको यहाँ का एक सैंपल अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ, तो चलिए सैंपल अपार्टमेंट का टूर करते हैं। गाइस, दिस इज अ 3 BHK एक्चुअल फ्लैट एंड इसका साइज रहेगा 1287 स्क्वायर फीट। आप वीडियो में इसे जैसा देखेंगे, आपको सेम एज इट इज इसी कंडीशन में डिलीवर किया जाएगा।
ये मेन इंटरेस्ट रहेगी एंड इंटरेस्ट लास्टिंग रहेगा आपका ड्रॉइंग एंड गाइडिंग एरिया. सो दिस एंटायर स्पेस इज योर ड्रॉइंग एंड गाइडिंग स्पेस जिसके बिल्कुल ही एडजॉइनिंग रहेगी हमारी किचन. गाइस यहां पर आपको दिखाता है आपका किचन का स्पेस. यहां पर आपको ड्रॉइंग और फाइल को कब देखने ये आपको कर दिया जाएगा. सो बेसिकली फिनिश्ड कंडीशन में आपको ये अपार्टमेंट दिया जाएगा. यहाँ पर इसका वॉशिंग एरिया रहेगा एंड इसके नेक्स्ट रहेगा आपका यूटिलिटी एरिया. सो दिस इज द यूटिलिटी एरिया जहाँ पर आप इसे वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते हैं. प्लस आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में एक प्राइवेट बाथरूम भी मिल जाता है. गाइस ये आपकी एल शेप बालकनी रहेगी जिससे कि आपको पार्क का व्यू मिल जाता है एंड इसके बिल्कुल ही एडजॉइनिंग रहेगा हमारा बेडरूम नंबर वन. अभी यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं लगी हुई है, नेचुरल लाइट है. आप देख सकते हैं काफी वेल एंड रूम रहेगा. यहाँ पर आपको एक विंडो मिल जाती है प्लस यहाँ पर रहेगा आपका वार्डरोब का स्पेस एंड ओवरऑल आपको काफी डिफरेंट साइज की बेडरूम आ जाता है. फर्दर आपको लिविंग एरिया में ही एक वॉशरूम का भी एक्सेस मिल जाता है. ये आपका कॉमन वॉशरूम है जो की बेडरूम नंबर टू के साथ भी कनेक्टेड रहेगा. सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपको इसमें कंप्लीट मिल जाती है. And with that, here is the bedroom number 2, जो कि आपको काफी decent size में मिल जाता है. यहाँ पर रहेगा आपकी wardrobe का space, यहाँ पर आपका bathroom का access रहेगा, plus यहाँ पर आपको ये window मिल जाती है, जिसके next रहेगी आपकी balcony. ये आपकी रनिंग बालकनी है जो कि आपके बेडरूम नंबर 3 and 2 के साथ कॉमन रहेगी एंड यहाँ से आपको पार्क व्यू मिल जाता है. बेसिकली यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स रहेंगे सबसे सब आपके कॉर्नर यूनिट्स रहेंगे. इधर उनकी फेसिंग पार्क रहेगी या फिर उनकी फेसिंग मेन रोड रहेगी. एंड गाइस यही से मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे बेडरूम नंबर 3 में. सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 3 व्हिच इज अगेन इन अ वेरी गुड साइज. यहाँ पर आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है प्लस इस बेडरूम में ही आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाती है. ये आपका 3 BHK फ्लैट है जिसमें कि आपको 2 वॉशरूम्स मिल जाती है. फिनिश फिनिश में आपको ये अपार्टमेंट मिलेगा. So guys, that was all about our project Radicon Vedantam, जिसकी location थी Sector 16C Noida Extension. आपको ये project कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताइएगा. अब मैं project की कुछ USPs आपको बताना चाहूंगी. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस location से. तो ये Noida Extension की prime location का project है. यहाँ से गौर सिटी सेंटर हार्डली 800 मीटर के डिस्टेंस पर है. तो गौर चौक आपको बहुत ही ज्यादा नजदीक मिल जाता है एंड जो लोग इस एरिया से हैं उनको पता है कि गौर चौक की लोकेशन कितनी ज्यादा प्राइम लोकेशन है. तो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ की DSP भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. अगर मैं आसपास के इसके जो नेबरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करती हूँ तो यहाँ पर आज के टाइम पे अप्रोक्स जो रेट चल रहा है वो रहेगा 8,000 से 8,500 पर स्क्वायर फीट का. वहीं आपको रेडिकॉन वेदांतम में आज के टाइम पे अराउंड 5,500 के BSP के साथ यहाँ पर आपको एक रेडी टू मूव इन सेगमेंट का अपार्टमेंट मिल जाता है. फ्रेश यूनिट मिल जाती है. आसपास के प्रोजेक्ट्स फुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है एंड उनमें अभी कोई भी फ्रेश यूनिट नहीं बची हुई है. तो अगर आप वहाँ पर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको रीसेल कैटेगरी का अपार्टमेंट मिलेगा. बट रेडिकॉन वेदांतम में आपको एक फ्रेश यूनिट मिल जाती है वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल BSP पर. उसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ का कि यहाँ पे जो आपको कारपेट एरिया है वो काफी ज्यादा आपको बड़ा मिल जाता है. यूजुअली बाकी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि वहाँ आपका लोडिंग एरिया काफी ज्यादा होता है. तो 1500 का जो 1500 सपोज स्क्वायर फीट का आप अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका लोडिंग एरिया इतना ज्यादा होता है कि कारपेट एरिया मुश्किल से आपको 1100 स्क्वायर फीट का मिल पाता है. बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लोडिंग एरिया बहुत ही ज्यादा कम है. तो आपको 1287 स्क्वायर फीट के साइज के अपार्टमेंट की भी बात करती हूँ तो उसमें भी आपको काफी अच्छा कार्पेट एरिया मिल जाता है दूसरे प्रोजेक्ट के मुताबिक. तो ये कुछ USPs हैं जो कि रेडिकॉन वेदांतम के फेवर में है. एक तो प्राइस है, सेकंड आपका सुपर एरिया हो गया कि यहाँ पर आपको कार्पेट एरिया काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है. उसके साथ साथ रेडी टू मूव इन कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, प्राइम लोकेशन पर है एंड इस सेम लोकेशन पर आपको यहाँ पर आसपास कोई भी फ्रेश यूनिट नहीं मिल पाएगी. तो अगर आप एक प्राइम लोकेशन पर अपार्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ पर एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी. यहाँ का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो रहेगा अराउंड आपका 53 लाख ओनली. यहाँ पर आपको 2 BHK 53 लाख में मिल जाएगा. गाइज अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं
साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो वो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आई है हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री.